क्लास थ्री के बच्चों को लेसन थ्री है जो मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मल्टीमीडिया हम लोगों को मल्टीमीडिया के द्वारा सारे इन्फॉर्मेशन को जानकारी मिलती है, जो भी इन्फॉर्मेशन है तो मल्टीमीडिया के द्वारा ही हम लोगों को जानकारी मिलता है। सबसे ऊपर में आपको दिया गया है यू ऑलवेज वॉच मूवीज ऑन योर लैपटॉप। हम लोग जो है हमेशा मूवीज जो है अपने लैपटॉप पर अक्सर देखते हैं, तो लैपटॉप पर जब भी मूवीज देखते हैं वह मल्टीमीडिया के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है इवन यू लिसन टू सॉन्ग्स ऑल द टाइम्स एंड एट टाइम्स डांस टू देयर ट्यून। तो हम लोग मल्टीमीडिया में लिसेंट म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, मूवीज, ये सारे चीज़ को हम लोग मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। मल्टीमीडिया में ही हम लोग अपने यूट्यूब, फेसबुक, ये सब यूट्यूब चला कर करके हम लोग अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले है कि मीडिया इज मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन थॉट विच न्यूज इंटरटेनमेंट एजुकेशन एंड लॉट्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन रीच अस। मीडिया मेन्स यानी मीडिया मेन्स कम्युनिकेशन, यानी इसका कम्युनिकेशन का साधन जो है मल्टीमीडिया के द्वारा ही पहुंचाया जाता है, चाहे वह न्यूज़पेपर न्यूज हो, इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन एंड लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है मल्टीमीडिया के द्वारा हम लोग तक पहुंचता है। इंटरनेट रेडियो न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन आर मोस्ट वाइडली यूटिमेंस ऑफ मीडिया। इंटरनेट जो है रेडियो न्यूज़पेपर टेलीविजन आर मोस्ट वाइडली यूज मीडिया मेंस ऑफ मीडिया। ये सब हम इंटरनेट के द्वारा या टीवी पे या लैपटॉप पे या किसी प्रकार के डिवाइस पे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए मीडिया का ही प्रयोग करते हैं। अधिकतर लोग मीडिया का ही प्रयोग करते हैं। मीडिया ये सारे दूरदर्शन केंद्र पे अपलोड करता है, तब उस मैसेज को हम लोग देख लेते हैं, उस मैसेज को सुनते हैं और देखते हैं, न्यूज़पेपर को सुनते हैं और देखते हैं। द यूज पिक्चर टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड एनिमेशन एंड वीडियो क्लिप्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन व्हेन ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ मीडिया आर यूज टूगेदर इट इज नोन एज मल्टीमीडिया। तो जिस मल्टीमीडिया के द्वारा टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स है ना, या किसी प्रकार का डांस, ये सब जो हम लोग देखते हैं तो ये सारे मल्टीमीडिया ही कहलाता है। तो क्लिप टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, तो जिस माध्यम के द्वारा हम लोग ऑडियो, वीडियो, मैसेज ये सब सुनते हैं वह मल्टीमीडिया ही कहलाता है, उसे मल्टीमीडिया के नाम से जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज एन ऑर्डरली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट मीडिया पार्ट्स। तो ये सभी वर्ड जो हैं, सभी प्रेजेंटेशन जो डिस्प्ले चाहे ऑर्डर या बाई ऑर्डरली जब यूज करते हैं मैसेज को, तो वह सभी विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया के द्वारा सुना जाता है और ये सारे पार्ट्स जो हैं मल्टीमीडिया में ही आते हैं। तो मल्टीमीडिया को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है, चाहे वह कंप्यूटर, चाहे लैप
किसी मोबाइल के द्वारा हम मीडिया को सुन रहे कि न्यूज़ को सुन रहे हैं, या लैपटॉप के द्वारा सुन रहे हैं, या डेस्कटॉप के द्वारा सुन रहे हैं, या न्यूज़पेपर टीवी के द्वारा टेलीविज़न के द्वारा सुन रहे हैं। तो हम लोग मल्टीमीडिया जो है एक इंटरटेनमेंट का साधन है जो हम लोगों तक वह पहुंचाता है, प्रोवाइड करवाता है। अगर ये इसमें हम लोग सारे चीज़ को देख पाते हैं, सारे चीज़ को सुन पाते हैं, देश विदेश का न्यूज़ भी हम लोग सुनते हैं, तो ये सभी जो है हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया, कंप्यूटर एंड मल्टीमीडिया जो है ये एक ऐसा है, इस कंप्यूटर से कनेक्ट, कंप्यूटर पे हम लोग सुन सकते हैं और कनेक्ट रहता ही है क्योंकि सारा अपलोड किया हुआ रहता है। वी ऑल लव टू सी मूवीज, सभी मूवीज को हम लोग देखते हैं, जितने भी जैसे कार्टून हो गया, फिल्म्स है, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स है ना, जितने भी मूवीज कार्टून को देखते हैं, मूवीज को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं, गेम खेलते हैं, ये सभी हम लोग कंप्यूटर पे ही वर्क करते हैं और देखते भी हैं। दी आर ऑल पार्ट्स ऑफ मल्टीमीडिया, ये सभी जो हैं मल्टीमीडिया का ही पार्ट्स हैं, चाहे वह मूवीज हो, चाहे वह कार्टून हो, फिल्म हो, प्लेइंग गेम खेल रहे हैं, प्लेइंग कंप्यूटर है, तो ये सभी जो हैं वह कंप्यूटर मल्टीमीडिया का ही पार्ट्स हैं। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आर वेरी इंटरटेक्टिव एज द एलो द यूजर्स टू हैव ए कार्टून कंट्रोल्स ओवर सिलेक्शन एंड एक्सक्रिएशंस ऑफ प्रोग्राम। ये मल्टीमीडिया प्रोग्राम के द्वारा सारे इंटरटेक्टिव्स यूजर के माध्यम के द्वारा उसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे हम लोग गेम खेल रहे हैं तो कार गियर लगा हुआ रहता है, उसमें कार गियर के माध्यम के द्वारा हम उस गेम को, उस रेस को जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये सभी जो है यूजर जैसा चाहेगा, यूजर के माध्यम के द्वारा ही उसे चीज को, गेम को जो है कंट्रोल कर करके चलाया जा सकता है, उस प्रोग्राम को चला सकता है। तो इसलिए मल्टीमीडिया लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मल्टीमीडिया के द्वारा ही हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ सुनते हैं, और ये मल्टीमीडिया हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन भी देता है। क्योंकि मैं एक बार फिर इसे रिपीट कर देता हूँ हिंदी करके, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे। मल्टीमीडिया एक ऐसी अवधारण है जिसके अंतर्गत किसी विचार, अनुभव या किसी वस्तु, अभिव्यक्ति या इंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन, न्यूज और प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, वीडियो इटीसी, ये सभी जो हैं कंप्यूटर मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो कंप्यूटर मल्टीमीडिया के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं जो हम लोग आगे के बुक में दिया गया है, जो टेक्स्ट है,
टेक्स्ट है, पिक्चर है, मूवीज है, एनिमेशन है, ये सब दिया हुआ है। और ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।